हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज आप और हम मिलकर देखेंगे 2005 में आई सेंसिटी मूवी के पहले पार्ट को। तो गाइस, अगर आपने अभी तक इस मूवी के सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो इस एक्सप्लेनेशन को आप मेरे इसी चैनल पर जाकर देख लीजिए। और जिन्होंने इसके सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन देख लिया है वो इस फर्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन को जरूर देख लें, क्योंकि इसी पार्ट में आपको पता चलेगा कि रॉर्क ने नैन्सी की पूरे तरीके से लाइफ बर्बाद कर दी है। लेकिन फिर भी नैन्सी रॉर्क के क्लब में एक स्ट्रिपर का काम करती है। नैन्सी किसी और भी क्लब में काम कर सकती है, लेकिन वो रॉर्क के ही क्लब में काम क्यों करती है ये जानेंगे हम इस मूवी की कहानी में। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले गाइज, मेरी आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मुझे थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे अभी आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। तो गाइज, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं जॉन को। जॉन अपनी कार से नैन्सी को बचाने के लिए जा रहा है, क्योंकि नैन्सी काफी छोटी है और उसे रॉर्क के आदमियों ने किडनैप कर रखा है। रॉर्क छोटी छोटी लड़कियों को किडनैप करके जबरदस्ती उन्हें अपने क्लब में स्ट्रिपर बनाता है। और रॉर्क के इस क्लब के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आपको इस मूवी के सेकंड पार्ट को देखना होगा। और इस सेकंड पार्ट को देखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन मैंने इसी चैनल पर कर रखा है। और अब देखते हैं जॉन को। जॉन उस जगह पहुंच जाता है जहां पर रॉर्क के लोगों ने नैन्सी को किडनैप करके रखा हुआ है। जॉन जब छुपते हुए नैन्सी के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर रॉर्क के दो आदमी नैन्सी के पास खड़े हुए हैं और ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। इसका फायदा उठाते हुए जॉन छुपते हुए इन दोनों के पास पहुंचता है और इन दोनों को वहां एक रॉड से ढेर कर देता है। ये देखकर रॉर्क का बेटा वहां आ जाता है और वो नैन्सी को लेकर वहां से भागने लगता है और जॉन भी उसके पीछे भागता है। ये देखकर वो जॉन से बोलता है कि अगर तुमने मेरे पीछे आना बंद नहीं किया तो मैं इस नैन्सी को उठाकर पानी में फेंक दूंगा। ये बोलते हुए ये दोनों एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि रॉर्क का बेटा जूनियर रॉर्क जॉन पर गोली चलाता, तब तक जॉन गोली चलाते हुए जूनियर रॉर्क का कान उड़ा देता है। इस तरह जूनियर रॉर्क अपने कान से हाथ धो बैठता है, लेकिन फिर भी वो जॉन को मारने के लिए उस पर गन पॉइंट कर देता है। ये देखते हुए जॉन उसके हाथ को भी उड़ा देता है और दो गोलियां तो जॉन जूनियर रॉर्क के ऐसी जगह मारता है कि वो कभी भी बाप बनने के लायक ही ना रहे। तभी वह रॉर्क के बाकी आदमी आ जाते हैं और वो जॉन पर अंट संट गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जॉन को काफी सारी गोलियां लग चुकी थी, इसलिए वो वहीं पर गिर जाता है। और नैन्सी ये सब देखकर काफी डर गई थी, इसलिए वो रोते हुए जॉन के पास पहुंचती है और वो जॉन की गोद में लेट जाती है। फिर क्या होना था, वहाँ पुलिस आ जाती है और वो जॉन को उठाकर वहाँ से ले जाती है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जॉन की बॉडी में डॉक्टर गोलियां गिन रहे होते हैं और ये डॉक्टर्स जॉन की बॉडी से सारी गोलियां निकालते हुए उसे वहाँ पर एडमिट कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जॉन से मिलने के लिए रॉर्क आता है और वो जॉन से बोलता है कि तुमने मेरे बेटे के ऐसी जगह पर गोलियां मारी हैं कि वो कभी भी अब बाप नहीं बन सकता है और मैंने उसे जिंदा रखने के लिए उस पर काफी सारा पैसा खर्च किया है। चाहूँ तो मैं भी तुम्हें यहाँ पर मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मेरा बेटा ही तुमसे अपना बदला लेगा। ये बोलते हुए रॉर्क वहाँ से जब चला जाता है तो अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जॉन पूरे तरीके से ठीक हो चुका है, लेकिन उसे एक जेल में रखा गया है। और इधर हम देखते हैं कि रॉर्क ने अपने बेटे जूनियर रॉर्क को सही करा लिया है, लेकिन अब वो इंसान कम जानवर ज्यादा लग रहा है। जूनियर रॉर्क अपने एक आदमी के द्वारा जॉन को जेल से निकलवा लेता है, क्योंकि अभी भी उसके अंदर की चुल्ल मिटी नहीं है और वो जॉन को मारकर अपना बदला लेना चाहता है। इधर जॉन जेल से वापस आकर सीधा नैन्सी के घर पहुंचता है, लेकिन उसे नैन्सी वहां पर नहीं मिलती है। पर जॉन को वहां रॉर्क के क्लब का एक कार्ड दिखाई देता है। ये देखकर जॉन रॉर्क के क्लब में पहुंच जाता है और क्लब पहुंचकर जॉन देखता है कि नैन्सी वहां पर एक स्ट्रिपर बन चुकी है। नैन्सी इस क्लब में स्ट्रिपर का काम इसलिए करती है जिससे कि वो रॉर्क से अपना बदला ले सके। यही नैन्सी जब इस क्लब में जॉन को देखती है तो वो जॉन के गले आकर लग जाती है और उसे किस करती है। फिर हम देखते हैं कि नैन्सी जॉन को लेकर अपने घर पहुंचती है और वो जॉन से बातें करते हुए उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ। ये सुनकर जॉन नैन्सी की तरफ देखने लगता है कि ये बोल क्या रही है, और जॉन सोचने लगता है कि बहुत दिनों से ये काम भी नहीं किया है, चलो आज थोड़ा गरम धर्म मचाते हैं। इससे पहले कि ये दोनों वहाँ पर अपना गरम धर्म का प्रोग्राम शुरू करते, तभी वहाँ पर जूनियर रॉर्क आ जाता है और वो जॉन को वहाँ पेलते हुए एक रस्सी से बांधकर लटका देता है और वहाँ से नैन्सी को लेकर अपने साथ चला जाता है।
अब जॉन जैसे तैसे करके खुद को उस रस्सी से खोलता है और वो नैन्सी की तलाश में जूनियर रॉर के घर जाने लगता है। इधर हम देखते हैं जूनियर रॉर को जो नैन्सी को बांधकर काफी टॉर्चर कर रहा है, क्योंकि जूनियर रॉर की जॉन ने पूरी पाइपलाइन तो उखाड़ दी है, इसलिए वो अपनी भड़ास निकालने के लिए नैन्सी को वहाँ पर काफी टॉर्चर कर रहा है। लेकिन अब जॉन भी यहाँ पर पहुँच जाता है और वो नैन्सी को इस हालत में देखकर जूनियर रॉर को वहाँ पेलना शुरू करता है और वो जूनियर रॉर को इतना पेलता है कि वो इस बार तो सीधा स्वर्गीय सिधार जाता है। इस तरह जॉन नैन्सी को वहाँ बचा लेता है और उससे बोलता है कि तुम अभी घर चले जाओ, क्योंकि जॉन को पता था कि उसने अभी जूनियर रॉर को पेला है, इसलिए रॉर उसे कहीं से भी ढूंढ कर निकाल लेगा और उसे मार देगा। ये सोचते हुए जॉन वहाँ खुद को ही गोली मार लेता है और वो वहीं मर जाता है। लेकिन जॉन के वहाँ मरने का कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि नैन्सी का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वो रॉर के क्लब में फिर से जाकर स्ट्रिपर का काम करने लगती है। और इसी के साथ इस मूवी का चैप्टर 1 खत्म होता है। इस मूवी की कहानी 4 चैप्टरों में पूरी होगी, इसलिए आप किसी भी चैप्टर को स्किप ना करें, वरना आपको इस मूवी की कहानी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। अब हम चलते हैं इस मूवी के दूसरे चैप्टर की ओर, और दूसरे चैप्टर में हम देखते हैं कि एक लड़की लाल ड्रेस पहनकर एक बिल्डिंग पर खड़ी होती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और वो उसका सेक्सी लुक देखकर अपने मुंह में पानी ले आता है। लेकिन ये आदमी इस लड़की के साथ कुछ करता तो नहीं है, पर उसे एक सिगरेट पिलाते हुए उसे वहीं पर शूट कर देता है। और ये दूसरा चैप्टर इसी के साथ यहाँ पर खत्म होता है। अब देखते हैं हम इस मूवी के तीसरे चैप्टर की कहानी को। इस कहानी में हम देखते हैं मार्व को। मार्व अपनी गर्लफ्रेंड गोल्डी के साथ अपनी रातें रंगीन करने में लगा हुआ है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पुलिस आ जाती है और वो मार्व को पकड़ना चाहती है, पर मार्व इतनी आसानी से हाथ आने वाला तो नहीं है। वो वहाँ पुलिस वालों को पेलते हुए वहाँ से भाग जाता है और वो भागते हुए अपनी गर्लफ्रेंड की बहन लूसिल के पास पहुँच जाता है। लूसिल अपने घर पर अकेली थी और वो पूरे तरीके से नंगी होकर लेटी हुई थी। लूसिल मार्व को देख कर बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो मार्व लूसिल से बोलता है कि मेरे घर पर किसी ने पुलिस को भेजा था और शायद मुझे कोई मारना चाहता है। तो लूसिल उसे बताते हुए बोलती है कि केविन नाम का एक आदमी है जिसने तुम्हारे घर पर पुलिस को भेजा था और वही तुम्हें मारना चाहता है। ये सुनकर मार्व केविन का पता लगाने के लिए रॉड के क्लब में पहुंचता है, क्योंकि रॉड का क्लब ही एक ऐसा अड्डा है जहां पर सभी हरामी लोग अपनी अय्याशी करने के लिए आते हैं। इस क्लब में पहुंचकर मार्व यहां के 2-4 लोगों की हड्डियां तोड़ते हुए केविन का पता निकाल लेता है। और जब वो केविन के घर पहुंचता है तो केविन उसे देखकर उस पर हमला कर देता है, क्योंकि केविन बेड़ियों के साथ पला बड़ा है, इसलिए वो बेड़ियों जैसा बन गया है। केविन मार्व को काफी घायल कर देता है और वहां से चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि केविन मार्व को पकड़कर एक रूम में बंद करा देता है और मार्व वहां देखता है कि उस रूम में लूसिल भी बैठी होती है, क्योंकि लूसिल ने मार्व को केविन का पता बताया था, इसलिए केविन ने लूसिल को भी इस रूम में बंद कर रखा है। इतना ही नहीं, केविन ने उसका एक हाथ भी काट दिया है। ये देखकर केविन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उस रूम के एक वेंटिलेटर को उखाड़ लेता है और वो लूसिल को लेकर वहां से भाग जाता है। फिर ये दोनों लूसिल और मार्व केविन को मारने का प्लान बनाते हैं। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मार्व केविन से फाइट करते हुए उसे वहां पर पकड़ लेता है और वो केविन को इस तरह की मौत देता है कि वो सोच रहा होगा कि मैंने मार्व से पंगा ही क्यों लिया। मार्व वहां पर केविन की दोनों टांगें काटकर उसकी तीसरी टांग के बराबर कर देता है और उसके दोनों हाथों को काटकर उसी के भेड़ियों के सामने उसे छोड़ देता है और ये उसी के भेड़िये उसे वहां पर खाने लगते हैं। इसी के साथ ये तीसरा चैप्टर भी पूरा होता है। अब चलते हैं इस मूवी के चौथे चैप्टर की तरफ। इस चौथे चैप्टर में हम देखते हैं ड्वाइट को। ड्वाइट अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जब उसके घर पर आया हुआ है तो वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड काफी खुश दिखाई दे रही है, क्योंकि आज ये दोनों एक दूसरे के साथ गरम धरम मचाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों अपना गरम धरम का प्रोग्राम वहाँ शुरू करते, तभी जैक नाम का एक आदमी अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाता है। ये देखकर ड्वाइट की गर्लफ्रेंड उसे वहाँ पर छुपा देती है और जैक और उसके साथी उसकी गर्लफ्रेंड को देखकर काफी मजे लेने लगते हैं। और जैक उसके घर में ड्वाइट को ढूंढते हुए वॉशरूम में पहुंच जाता है और इसी वॉशरूम में ड्वाइट पहले से बैठा हुआ था। ड्वाइट जैक पर हमला करते हुए उसका मुंह वहां पर लैट्रिन में घुसा देता है। ये देखकर जैक के साथी काफी डर जाते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ड्वाइट जैक को मारने का एक प्लान बनाता है और वो इस काम में अपनी मदद कराने के लिए गेल नाम की एक कॉल गर्ल के पास पहुंचता है।
गेल के साथ ऐसी लड़कियां काम करती हैं जो देखने में काफी हॉट और सेक्सी थी, लेकिन उनके कारनामे काफी ज्यादा खतरनाक थे। गेल ड्वाइट की मदद करने के लिए मान जाती है और वो अपनी सभी हॉट और सेक्सी लड़कियों की टीम को लेकर जैक के लिए एक ट्रैप तैयार करती है और ये सभी लड़कियां जैक को मारने के लिए वहां अपनी अपनी पोजीशन लेकर खड़ी हो जाती हैं। और फिर जैक वहां पर अपने कुछ साथियों के साथ आता है तो ड्वाइट को वहां अकेला देखकर उस पर अपने सभी साथियों से हमला करने के लिए बोलता है। तो उसके साथी जैसे ही ड्वाइट पर हमला करने वाले होते हैं तभी ये सभी सेक्सी गर्ल उन लोगों को इस तरीके से मारती हैं कि इस तरह तो कोई आदमी भी नहीं मारता होगा। और एक एक करके ये सभी लड़कियां जैक के सभी आदमियों को वहां पर मार देती हैं और ड्वाइट वहां पर जैक को मारते हुए उसके सर में एक पूरी पिस्टल को घुसा देता है। इस तरह ड्वाइट गेल की सभी लड़कियों की मदद से जैक और उसके सभी साथियों को मारकर टेंशन फ्री हो जाता है। और इसी के साथ इस मूवी के चारों चैप्टरों की कहानी पूरी होती है। और गाइज हम 1000 सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा करीब हैं, तो जिसने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरे 1000 सब्सक्राइबर को पूरा करा दो। और यही मेरी आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए हमेशा इसी तरह के एक्सप्लेनेशन लाता रहूंगा। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।